हेलो फैंस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फैंस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैन जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे सेटिंग पर। फैंस सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है सिस्टम सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, तो आप इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपका ये ऑन हो जाएगा और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, यानी कि आप ऑफिस वगैरह में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं और आपका एकदम से कॉल आ जाता है, तो आप कॉल को म्यूट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस सेटिंग को पहले ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि फ़ोन को टेबल पर रखा हुआ, फ़ोन एकदम से आ गया, फ़ोन को उठाकर उल्टा करके टेबल पर रख देंगे, यानी कि फ़्लिप करके, उससे क्या होगा आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। और फैंस अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा, फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, तो यहाँ पे शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।